नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। लेबड़ में लेबड़ मानपुर हाईवे पर जीरो पॉइंट पर चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी गुमटी सहित एक ठेले को टक्कर मारते हुए खेत में जाकर पलट गया। चार पहिया वाहन की गति इतनी अधिक थी कि हादसे में एक मासूम की मौत हो गई, वहीं कार सवार सहित ठेले पर मौजूद महिला को चोट आई है। क्षेत्र से गुजर रहे पुलिसकर्मियों ने घायल को देख अपना निजी वाहन से लेकर धार के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। इधर कार सवार चालक को उपचार के बाद घाटा बिल्लो चौकी पुलिस टीम अपने साथ थाने पर लेकर गई है। वही बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब पूरे मामले की जांच पुलिस टीम के द्वारा की जा रही है। खेत में से कार को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। साथ ही हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। वही घायल महिला जो की एक माँ भी है, रो रो कर उसका बुरा हाल है। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। ये 5:30 के आसपास अभी एक आरटीए था, एक्सीडेंट हुआ है। उसमें एक फीमेल है, 30 से 35 साल की, सीमा नाम की, उसको चोट आई है और एक बच्चा है 10 साल का। तो बच्चे को जब लाया गया है तो बच्चों को हेड इंजरी थी, तो काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, नाक से काफ़ी खून बह रहा था, ईएनटी से ईयर से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। बच्चे को एग्जामिनेशन करने के बाद तो बच्चे में कोई लाइफ के साइन नहीं थे, मतलब उसकी प्यूपिल्स फिक्स हो गई थी और उसके ईसीजी में भी कुछ नहीं आया था, तो स्ट्रेट लाइन थी। तो बच्चे को तो हमारे पास ब्रॉड डेड ही था हमारे पास जब हमने एग्जामिनेशन किया, तो बच्चे को तो हमने डिक्लेयर करके मॉर्चुरी पीएम के लिए मॉर्चुरी में शिफ्ट करवा दिया है। एंड जो मदर है उसकी, माता, उसको पैर में, राइट साइड के पैर में, लोअर लेग में चोट आई है, जिसको ड्रेसिंग किया है और स्टेचेज आए हैं, तो उसको अभी एडमिट करके वार्ड में शिफ्ट किया है और सर्जन को कॉल किया है, तो सर्जन आगे उसको देख लेंगे फॉलोअप के लिए। वो ठीक है, वो क्रिटिकल नहीं है, बट बच्चा जब आया था तो वो मतलब ब्रॉड डेड ही था। नाम बता दिया आपका? मेरा नाम डॉक्टर शरद मिश्रा है, एमडी मेडिसिन।